चल मिया मिट्टू सोच समझ के जायजा ला के ऐसा फाल निकाल जिसके हक के होए हो जाए होशियार। तोता इंडिया दा ओ छड़ दे तुसी ओनु भाई, तोता इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का ही तोता है। ए उठ दे, उधर आया है। सर ने कहा है कि हमारे प्लेयर बहुत जहरीले हैं, 9 जून को उनके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने भी बल्ले फड़े ने, कोई गट्टे नहीं फड़े उन्होंने हाथों दे विच, और अग ना भरिया हुई बॉलों सुटन गए इंशाल्लाह ताला, और इंडिया नु लोहे दे चने चबावांगे। हमने इंडिया को 230 250 300 भी मारते हुए देखा है, तो आपको लगता है अगर वो इतना टारगेट कर जाते हैं तो पाकिस्तान इस टारगेट को चेस कर पाएगा? फिर अगली फ्लाइट पे वापसी है पाकिस्तान की, ये ज़हन में रखें अगर 250 हो गया तो। ये एक राज है, पाकिस्तान अगर पहले जीत जाता तो इंडिया वालों को पता चल जाना था कि हमने मैच पाकिस्तान से जीतना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये एक राज रखा गया है, अब पाकिस्तान 9 जून को इंडिया को दिखाएगा हम क्या चीज है। अच्छा। पहले भी काफी दफा दिखा चुका है। तोते नु तो जेड़ा मर्जी चोरी खवा दे कहंदा मियां मिठू चोरी खानी, तोता दोगला टाइप बंदा है, जानवर परिंदा है, ओदे ते कोई इतबार नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਟੀ 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 ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਕੋ ਟੀ ਟੀ ਨਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਟੇ ਦੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਕੋਹਲੀ ਕੀ ਜੋ ਵਿਕਟ ਉਡਾਏਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਹੀ ਉਡਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਨ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਤੇ ਆਪ ਕੈਸੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 9 ਜੂਨ ਹਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ और पाकिस्तानी के साथ ही रहेंगे। मैच ना जीते कोई मसला नहीं, हम अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। सेंचुरी कौन करेगा, रोहित शर्मा या फिर बाबर आजम? और नाम के तोते से पूछेंगे तो निकलेगा तो आपको दस दांगे। पूछे पूछे तोते से। चल मिया मिट्टू सोच समझ के जायजा ला के ऐसा फाल निकाल। नाज़रीन 9 जून को T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है। हर एक की नजरें इसी मैच के ऊपर टिकी हुई हैं कि ये मैच कौन जीतेगा, इंडिया या फिर पाकिस्तान। इस मैच की प्रेडिक्शन करवाने के लिए आज हम मियां मिट्टू के पास आए हैं जो कि किस्मत का फाल निकालता है। तो आइए मियां मिट्टू से प्रेडिक्शन करवाते हैं और जानते हैं कि ये मैच कौन जीतेगा, इंडिया या फिर पाकिस्तान। तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम किस्मत का फाल निकलवाने के लिए मियां मिट्टू के पास आए हैं और ये उनके बॉस हैं जो उनको ट्रेन करते हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिकमतुल्लाह तोते वाला। हिकमतुल्लाह तोते वाले के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। मुझे बताएं आप कब से ये फाल निकालने का काम कर रहे हैं? मैं बचपन से 96 से काम कर रहा हूँ। 96 से काम कर रहा हूँ। जिते जिते वड़ा वड़ा नुमाइश जाता है, जश्न बहारा, लोग विरसे इस्लामाबाद, हर जगह हर नुमाइश में जाता और हर मैच वाले मेरे पास आउंदे, कोई ऐसे नहीं। ये बताएं कि जो तोता फाल निकालता है वो कितने परसेंट सही साबित होता है? कम से कम आधा 50% से सही होता है। 100 में से 50। 100 में से 50? हाँ, 100 में से 50। कभी तुक्का लग जाता है, कभी हार, कभी जीत। अच्छा, तोते को कितनी अच्छा ट्रेनिंग देती पड़ती है? 5-6 महीने लग रहे अली, मैं 2 महीने हो गए, एक तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एक ट्रेन है। सही। चले अब वक्त को जाया किए बगैर हम तोते से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फाल निकाले 9 जून को कौन जीतेगा, इंडिया या फिर पाकिस्तान। ठीक है जी, हम कोशिश कर रहे हैं, पता चल जाएंगे कि कौन जीतेगा कौन हारे। चल मिया मिट्टू सोच समझ के जायजा ला के ऐसा फाल निकाल जिसके हक के हुए हो जाए होशियार। और नाज़रीन तुहाडे सामने है, मिया मिट्टू ने फाल निकाल दी थी और इंडिया जीते। इंडिया जीतेगा और आगे भी जीतेगा। पक्का इंडिया जीतेगा इंशाल्लाह, अल्लाह जी। अच्छा अब ये बताएं कि सेंचुरी कौन करेगा, रोहित शर्मा या फिर बाबर आजम? और नाम के तोते से पूछेंगे तो निकलेगा तो आपको दस दांगे। पूछे पूछे तोते से। चल मिया मिट्टू सोच समझ के जायजा ला के ऐसा फाल निकाल। रोहित शर्मा आ गया। रोहित शर्मा पाकिस्तानी, तो इंडियन तोता निकल आया। इंडिया वो कहते हैं, इंडिया तोते ने कहा इंडिया जीतेगा। और सेंचुरी भी इसने रोहित शर्मा की बता दी है। वो ही करेगा, बाबर आजम ने कि उन्हें 50-60 रन बनाने हैं, उन्हें क्या करना है। अगर तो ये प्रेडिक्शन सही साबित हुई तो तोते की बल्ले बल्ले हो जानी पूरी दुनिया में। अल्लाह जी हुक्म नाल इंडिया जीतेगा। ठीक है, अभी कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं,
इनसे बात करते हैं कि इनको क्या लगता है 9 जून को कौन जीतेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहसन है। अहसन, वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ, सारे मैच देख रहा हूँ। आपने इंडिया और आयरलैंड का मैच देखा, पाकिस्तान और यूएसए का मैच देखा? देखा, दोनों के मैच देखा है। और ये एक राज है, पाकिस्तान अगर पहले जीत जाता तो इंडिया वालों को पता चल जाना था कि हमने मैच पाकिस्तान से जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये एक राज रखा गया है, अब पाकिस्तान 9 जून को इंडिया को दिखाएगा हम क्या चीज है। पहले भी काफी दफा दिखा चुका है, पहले 2017 में अमर को भूल गए, फिर उसके बाद नसीम शाह को वो भूल गए जो रोहित शर्मा और कोहली की विकेटें उड़ाई थी। ठीक है, अब ये देखना कि रोहित शर्मा और कोहली की जो विकेट उड़ाएगा मोहम्मद आमिर ही उड़ाएगा, और उसके बाद शहीन फिर शहीन ही होगा। उसके बाद नसीम शाह को खुद ही देखते हैं आप कैसी बॉलिंग करता है। इंशाल्लाह ताला 9 जून हम पाकिस्तानी सच्चे पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी के साथ ही रहेंगे। मैच ना जीते कोई मसला नहीं, हम अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन तोते ने प्रेडिक्ट किया है कि ये मैच जो है वो इंडिया जीतेगा। वो तुसी छड़ दो उस गल्ला नु, जदों पाकिस्तानी असी कह रहे तो बाबा कह रहा है तोता ही इंडिया दा, वो छड़ दे तुसी उहनू। पाकिस्तान इंडिया के बंदे उठते उधर उधर आ जा रहे हैं, फिर जानवर है। 9 जून को कौन जीतेगा, बड़ा टाकरा 9 जून को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है। हमने इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ देखा किस तरह इंडिया ने आयरलैंड को 96 पर ऑल आउट कर दिया, और हमने पाकिस्तान को यूएस के मध्य मुकाबले खेलते हुए देखा, हमसे 59 भी चेस नहीं हो सके। अब दोनों टीमों का अगला मुकाबला 9 जून को होगा, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान। ये वो मैच है जिसका पूरी दुनिया को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। क्या लगता है, क्या इंडिया अपनी इसी कामयाबी को बरकरार रखेगा या पाकिस्तान जो है वो जीत का ताज अपने सर पर सजाएगा? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बहुत जहरीले टाइप हैं। अच्छा, और वो इंशाल्लाह जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। आप क्या कहेंगे? देखें, अब हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। जहाँ तक हमें लगता है, जहाँ हम कल का मैच देखा है, कुछ कह रहे थे कि यूएसए से हार गए, वो ऐसे कह रहे थे जैसे यूएसए बहुत छोटी टीम है। ठीक है, फर्स्ट टाइम उनका मैच था, लेकिन छोटी टीम बिल्कुल नहीं है, वो सारे काउंटीज के प्लेयर्स खेल रहे थे उसके अंदर। हमने टेक्निक देखी उनकी, 4 पेसर्स हैं हमारे पास जिसके सर पर हमारी टीम चलती है। ठीक है, उनमें से किसी एक पेसर का भी ऐसे नहीं लगा कि बहुत डेंजरस बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया तो आपको पता है लेवल इंडिया का नेक्स्ट है। ठीक है, यकीनन हम पाकिस्तानी हैं, हमारी उम्मीदें हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन हमें फैक्ट पे बात करनी चाहिए, जो कि इंडिया की क्रिकेट हमसे बहुत आगे है। और अगर देखा जाए तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इंडिया विल बी विन ऑन 9 जून। आप पाकिस्तानी होकर आज ये बात कह रहे हैं कि 9 जून को इंडिया ही जीतेगा, क्या वजह, इतने कॉन्फिडेंस से और इतने मोराल के साथ आप ये बात कर रहे हैं? आपने आयरलैंड की बॉलिंग, आयरलैंड के खिलाफ उनकी बॉलिंग देखी, हमारी बॉलिंग देखी यूएसए के अगेंस्ट, डिफरेंस नजर आया। दैट्स व्हाट, उनके पास बैट्समैन भी हैं, उनके पास बॉलर्स भी हैं, हमारे पास ठीक है बैट्समैन भी हैं बॉलर भी हैं, लेकिन हम उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे जिसको हमें करना चाहिए। ठीक है, 2022 में भी देखें आप, हम हार चुके थे अगर वो नैदरलैंड ना जीतता उनके खिलाफ, साउथ अफ्रीका के। इसी तरह आप कुछ समझना, जो कुछ करना चाहिए। अब शादाब खान देखें, ठीक है ऑलराउंडर अच्छा है, जितने चांसेस उसको दिए हैं आई डोंट थिंक सो कि किसी और को दिए हों। वसीम जूनियर को आपने बिठाया हुआ है, अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेता है बॉलिंग भी कर लेता है। अबरार अहमद मिस्टर स्पिनर जिसे आप कहते हैं, एक मैच भी आपने उसको नहीं खिलाया अभी तक, सिर्फ एक या दो मैचेस के अलावा आपने उसको चांस ही नहीं दिया, तो कैसे आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे? आपकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है मुझे बताएं। साइम यूब को 21 मैचेस आपने खिला लिए हैं, 49 उसका बेस्ट है 21 मैचेस में, 350 उसका टोटल स्कोर होगा 21 में, तो क्या क्या आप कर क्या रहे हैं मुझे खुद ही समझ आ रही। अब एक बैट्समैन उन्होंने बिठाया हुआ यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक, कंप्लीट उसकी टेक्निक है, उसके खेलने का अंदाज बहुत अच्छा है, अब उसको उन्होंने चांस नहीं दिया। वनडे में उसे खिलाते हैं, T20 में भी उसको एग्जीक्यूट करें, एटलीस्ट उसको रिजर्व में तो रखें। सर ने कहा है कि हमारे प्लेयर बहुत जहरीले हैं, 9 जून को उनके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने भी बल्ले फड़े ने, कोई गट्टे नहीं फड़े उन्होंने हत्थों के, और अग ना भरिया हुई बॉलों सुटन गए इंशाल्लाह ताला, और इंडिया को लोहे के चने चबावांगे। ये तो अब देखेंगे 9 जून को पता चलेगा। आपको पता है अभी हम ना एक फाल वाले तोते के पास से होकर आ रहे हैं, हमने उसे प्रेडिक्शन निकलवाई है और तोते ने ये प्रेडिक्ट किया है, ये फाल निकाली है कि 9 जून का मैच इंडिया ही जीतेगा। तोते नु तो जेड़ा मर्जी चूरी खवा दे कहंदा मियां मिठू चूरी खानी, तोता दोगला टाइप बंदा है, जानवर परिंदा हैगा, ओदे ते कोई एतबार नहीं हैगा। जेड़ा अपने मालिक नु कह देंदा टी 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 ते ओ की कर सकदा, कुछ नहीं। तो मालिक को टी टी ना कहे तो और क्या कहे? नहीं, मैं तो तुम पहलो दसिया देसी घ्यो की जो चूरी खवादा ओदा नाम ही लैंदा, जो डाल्टे की खवादा ओनू फिर गाला भी कढ़दा है, इसलिए परिंदा। जिस तरह पाकिस्तान यूएसए से हारी है,
पाकिस्तान की आवाम ये कह रही है कि हमारा लोन अप्रूव हो गया है। नहीं, दो अगर पहलवान अगर कुश्ती कर रहे ने एक ठठदा इहदे विच कोई ऐसी गल नहीं हैगी। अच्छा। जीत हार हम हमेशा इंडिया से हारते हैं ना, बहुत ज़रा प्रेशर होंदा है, वो ये होंदा है कि इन्हां दे इधर हाथ पैर फुल जांदे ने, नहीं फुलने चाहिए उन्होंने देख के, वो भी बंदे ने इंसान ने, कोई जिन्न तो नहीं है, बस वो प्रेशर होंदा दोवां मुल्कां दा, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होंदा, जंग होंदी उस टाइम, तो फिर वो प्रेशर। इसलिए तो कह रहे हैं कि ये मैच नहीं है, जंग है, दो रवायती हरीफ आमने सामने होते हैं, या फिर साडे खिलाड़ी रोटी बहुत खा लेंगे, कोई यह मसला हो जाता। फिटनेस चेक करें ना आप अपने प्लेयर्स की, हाँ किसी का मसल पुल हो जाता, किसी का इतने इतने, इतने बड़े पेट निकले हुए हैं। हाँ पेट उन्होंने अंदर गल कर देते हैं सारी गल पाकिस्तानी खाने खा खा के उधर स्पाइसी मजेदार। फिटनेस कंपैरिजन ही कर लेना दोनों टीमों का, पता चल जाएगा। स्पोर्ट्स कोई भी है वो उसकी बेस फिटनेस ही है, फिटनेस नहीं है तो आप स्पोर्ट्समैन नहीं है, ये तो पढ़ी लिखी सी बात है। ठीक है, मैं विराट कोहली का उस दिन एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने बोला कि मैं जो अभी तक खेल रहा हूँ ना जस्ट अपनी फिटनेस पे खेल रहा हूँ, मेरी फिटनेस ना हो ना तो मेरे लचक भी ना हो मेरे जिस्म में, तो देख लो। आप 9 जून को किसको सपोर्ट करें, इंडिया या पाकिस्तान? ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ, आपको पहले भी बताया दुआएं तो पाकिस्तान के साथ। मैनू लग रहा है जेड़ा तुसी इन्हें कॉन्फिडेंस ना कह रहे हो ना, इंडिया पे पैसे तो नहीं लगाए, बता दें। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो सकता है, वो कह रहे हैं आपने इंडिया पे पैसे लगा जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था फैक्ट पे बात करनी चाहिए। ठीक है, जज्बात गेम के हिसाब से वो बात, हाँ जी, जज्बात अपनी जगह पे है, हमारी दुआएं तो पाकिस्तान के साथ ही, ऑब्वियसली पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे ना, जब इंडिया की विकेट गिरी तो खुशी हमें ही होगी। ठीक है, छक्का पाकिस्तान को पड़ेगा दुख हमें होगा, तो लेकिन वही बात पे फैक्ट पे बात करनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान, अगर फैक्ट एंड फिगर्स देखें तो इंडियन क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 9 जून को उनका पलड़ा ही भारी रहेगा। नहीं, पलड़ा उधर हल्का कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन कैसे पिचेस भी कुछ इस तरह की हैं, हाँ। कि आप ये नहीं कह सकते कि टोटल इंडिया की बैटिंग ही चलेगी या इंडिया की बॉलिंग ही चलेगी, अपसेट हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, पिचेस उस तरह की नहीं है, क्योंकि इंडिया भी उन पर, इंडिया उन पर नहीं खेल पाया उस दिन, आपने देखा इंडिया ने भी स्ट्रगल किया है, 96 पे 2 आउट 12 ओवर में चेस किया, जैसे कि इंडिया की बैटिंग थी उन्हें चाहिए था कि 9 या 10 ओवर में चेस कर देते स्कोर, वो भी आयरलैंड के खिलाफ। पिचेस को अगर आप देखें ना तो पिचेस बहुत ज़्यादा उन्होंने आर्टिफिशियल, आप जैसे ये टूर्नामेंट खत्म होना है दोबारा फुटबॉल की पिचेस वहाँ पे बन जानी है, तो आर्टिफिशियल पिचेस हैं इन पे, वो नहीं आप कह सकते कि बैटिंग पिचेस हैं या टोटल बॉलिंग पिचेस हैं। हाँ ये है कि अगर पहले बैटिंग आएगी तो उस पर आप प्रेशर डालकर चेज आप कर सकते हैं। साडे खिलाड़ी जुगाड़ भी ला सकते हैं, क्योंकि असं जुगाड़ लाने के वे मास्टर है, हो सकता उत्थे कोई जुगाड़ ऐसा लग जाए कि जिद नाल छक्के ते छक्का मारन उन्होंने आउट करी जान, और साडी दुआ है कि पाकिस्तान नूं जितना चाहिए, साडा मुल्क है, साडी जान है। सलमान सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सर 9 जून को T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है, क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा? हमने इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए देखा, हमने देखा कि किस तरह इंडिया ने आयरलैंड को 96 पर ऑल आउट कर दिया, और पाकिस्तान को हमने मध्य मुकाबले US के देखा, पाकिस्तान से 159 भी चेस नहीं हो सके, तो 9 जून को क्या लगता है कौन जीतेगा, क्योंकि दुनिया भर की नज़रें इस मैच के ऊपर टिकी हुई हैं। देखें बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक मैच होने जा रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का एक फाइनल वाला ही होता है, पाकिस्तान इंडिया का इतना बड़ा मैच होता है। मेरा ख्याल है कि देखें जो पाकिस्तान USA से हारा है, ऑब्वियसली एक अपसेट है बहुत बड़ा, और मैं समझता हूँ कि ऑन द डे जो क्रिकेट T20 में अच्छा खेलता वही जीता है, पाकिस्तान अच्छा नहीं कर सका USA के खिलाफ। मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ इस बार तारीख रकम करेगा, और पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया से जीतेगा। कैसे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? खेल के जीतेंगे इंशाल्लाह। खेल के, अच्छा क्या लगता है कि ऐसी किन चीज़ों पर या किन कमियों के ऊपर हमें काम करना चाहिए पिछले मैच से, ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें और हम तारीख रकम करें? अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, और वाकई में हम 9 जून को इंडिया को हराएं। इंशाल्लाह ज़रूर जी, क्यों नहीं हराएंगे, और दूसरे रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, मुझे बड़ी उम्मीद है जीतेगा। देखें पाकिस्तान जो है वो थोड़ा अंडर प्रेशर खेला USA से, अभी मुझे उम्मीद है कि ये लोग थोड़ा सा इजी होकर खेलेंगे, क्योंकि डू ए डाइट सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान के पास पूरी पोटेंशियल है, बैटिंग बॉलिंग हर चीज़ में पाकिस्तान पूरा है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा अगर हम बात करें पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग की, तो हमने देखा US के खिलाफ कि US ने किस तरह पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग को एक्सपोज करके रख दिया है, तो किस तरह हम 9 जून के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उम्मीदें बांध सकते हैं? देखिए उम्मीद ही बांध रहे हैं ना, एक्सपोज तो उन्होंने कर दिया, और वो एक डे उनका अच्छा था, वो खत्म हो गया। बात देखें, हम लोग सुपर ओवर में भी अच्छा नहीं कर सके, आमिर ने इतना अच्छा ओवर किया था ऑन द नॉर्मल मैच में, सुपर ओवर में उससे अच्छा ओवर नहीं हो सका, वाइड हो गए, ठीक है ऑन द डे पाकिस्तान नहीं अच्छा खेला, तो मेरा ख्याल है जो दिन गुजर जाता है वो गुजर जाता है,
नए दिन के लिए, नए दिन के साथ जो है नई उम्मीद से आना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान मैच जीते। अच्छा, 9 जून के लिए आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि किस तरह से वो खेले? प्रेशर नहीं लेना, ये तो हमें भी पता है कि भाई प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि हमारी टीम हमेशा अंडर प्रेशर आती है और हार जाती है, हाथ पांव उनके फूल जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कमियाँ हैं जिनको ओवरकम करने की ज़रूरत है? देखिए, सजेशन ही हो सकती है, वो थिंक टैंक बैठा हुआ है, उनकी एक अपनी एक सोच है। मेरा ख्याल है कि शाहीन और नसीम से नया बॉल कराना चाहिए। इस लास्ट मैच में शाहीन और आमिर ने नया बॉल किया, दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, तो मेरा ख्याल है कि लेफ्ट राइट का कम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। और आमिर एक्सपीरियंस है, आमिर जो है वो बाद में हारिस रऊफ के साथ जो है ना वो बॉलिंग कर सकता है, तो मेरा ख्याल है। और इस मैच में स्पिनर जो है शादाब की जगह मेरा ख्याल है फिर इब्रार को ट्राई करना चाहिए एक उसके लिए, क्योंकि इंडिया ने कभी खेला नहीं इब्रार को, तो मुझे हो सकता है उनके लिए सरप्राइज पैकेज एक हो सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें टीम इंडिया की, अगर वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं तो हमने इंडिया को 230, 250, 300 भी मारते हुए देखा है, तो आपको लगता है अगर वो इतना टारगेट कर जाते हैं तो पाकिस्तान इस टारगेट को चेस कर पाएगा? फिर अगली फ्लाइट पे वापसी है पाकिस्तान की, ये जहन में रखें अगर 250 हो गया तो क्योंकि जो पिच न्यूयॉर्क की है ना उस पर किसी भी पाकिस्तान या इंडिया में से किसी ने 160 प्लस रन बना लिए, 70 तक भी चले गए, 60 तक भी चला गया, तो वो जो है ना मैच विनिंग रन होंगे, जो लास्ट मैच हमने देखा है इंडिया वर्सेस आयरलैंड, तो मुझे लगता है कि 160 प्लस जो है ना वो बहुत अच्छा टोटल होगा ऐसी पिच पे, अगर पिच का बिहेवियर वैसा ही रहा जो लास्ट मैच। आपको पता है आपके पास आने से पहले अभी हम एक फाल वाले तोते के पास गए थे और हमने उस तोते से फाल निकाला और उसने ये प्रिडिक्ट किया है कि 9 जून का मैच जो है वो टीम इंडिया जीतेगी और रोहित शर्मा जो है वो सेंचुरी करने वाला है। क्या लगता है इस तोते का फाल सच होगा, कितने परसेंट चांसेस है? झूठ बोल रहा है तोता, है बहुत सख्त झूठ बोल रहा है वो बेचारा। लास्ट मैच में जिस तरीके से उसने 50 किया है ना, एज ए क्रिकेटर मैं समझ सकता हूँ, तो ये पिच बहुत मुश्किल है और सो जो है ना वो तोता झूठ बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर तोते की प्रेडिक्शन सच साबित हो गई तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें सजा रखनी है आपने इसमें कोई तोते को, मतलब हैरानगी की बात है कि हमने दो पर्चियाँ तोते के सामने रखी और उसने जो है वो इंडिया की पर्ची निकाली है, तो आप उसको चेंज कर देते पाकिस्तान की निकाल देता, ऐसी की बात नहीं। देखें, गैब का इल्म तो अल्लाह को है, अगले सेकंड क्या होने वाला है अल्लाह की पाक ज़ात को पता है, हमें नहीं पता। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान को इज़्ज़त दे, पाकिस्तान टीम को इज़्ज़त दे। जिस तरीके से हम अपने हीरोज़ की मैं समझता हूँ कदर नहीं करते हैं, अगर एक मैच में परफॉर्म नहीं हुआ उसको ड्यू रिस्पेक्ट बात करनी चाहिए हमें, वो हमारे कौम के हीरो। हम तो इधर इस हद तक नीचे गिर जाते हैं कि हम यही ख्याल नहीं करते कि यार उसकी भी कोई फैमिली है, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम लोग इतना नीचे चला जाते हैं, हर बंदे ने अपना ये जो है वो अपने अपने दुकान जो है चमकाने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उनको इस तरह नहीं, इस तरह बेइज्जत नहीं करें। देख लेना सोशल मीडिया पे किस तरह ट्रोल किया जा रहा है, किस तरह कहा जा रहा है कि IMF का लोन जो है वो अप्रूव हो गया है, हम पहले भी अमेरिका के नीचे लगे हुए थे, अब दोबारा हमने साबित कर दिया कि हम उनके नीचे ही लगे हुए हैं। मतलब इस तरह के स्टेटस देखने को मिल रहे हैं कि हमें खुद शर्मिंदगी हो रही है। देखें, अगर तो पाकिस्तान का कर्जा उतरता है मैच आने से, मैं तो कहूँगा फिर 50 मैच हार जाएं यार, मुल्क का कर्जा तो उतर जाए, लेकिन ये फजूल बातें हैं सारी, कोई हारता नहीं है जानबूझ के। ठीक है, सब बंदे, कोई अपनी बेइज्जती जानबूझ के नहीं कराता, हर बंदा अपनी एफर्ट करता है। जिस तरीके से कल आप बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, वो बहुत डिसार्ड था, इवन दो जब हारिस को आखिरी बॉल पर चौका लगा वो बहुत डिसार्ड नज़र आया उस, मतलब उसके नज़र आ रहा था अंदर से तड़प के यार उसको क्या गिल्ट फील हो रहा था कि USA से हम लोग हार गए। तो ये प्लेयर की भी इज्जत होती है, और मुझे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि काइंडली आप उनके पॉजिटिव वे में आप ज़रूर उनको कहें कि यार ठीक है इसको टीम में नहीं होना चाहिए, ओके दैट इज़ ओके, लेकिन उसके बारे में ये कहना मतलब गलत गलत बातें करना ये नहीं करना चाहिए।